Hello everyone, it's me Muneet Bhatt and today I am in Islamabad at Dr. Nada's Aesthetic Clinic in F10 Merkaz Islamabad. And काफ़ी दिनों से मैं ये चीज़ नोट कर रहा था कि एक तो बार काफ़ी दिनों से जो है वो शूट चल रही है, बाल बन रहे हैं, प्रोडक्ट लग रहे हैं और स्प्रे हो रहा है, उसकी वजह से आई नोटिस कि यार मेरे बाल थोड़े से जो उनका वेट है वो कम होना शुरू हो गया. सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम डॉक्टर नदा से कंसल्ट करें एंड शी सजेस्टेड मी कि आप आ जाओ इस्लामाबाद, हम आपकी PRP का सेशन करते हैं, बैक टू बैक करेंगे 2-3 महीने तक, ताकि उससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सके. सो मैं आया हूँ, आज मेरा है फर्स्ट सेशन एंड सोचा था कि बहुत ठंड होगी लेकिन यहाँ तो वही कराची वाली गर्मी है, इसलिए अंदर चलते हैं, लेट्स गो इनसाइड एंड सेशन ऑन करते हैं. So I just got done with the process of PRP and anesthesia लगा हुआ है, इस वजह से आता तो दिमाग में मेरा जो है वो सुन हो गया. But it was so not painful because लोगों को ऐसा लगता है कि इंजेक्शन लगेंगे तो उसमें बहुत दर्द होता है, कोई दर्द भी नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला और इजिली सारा प्रोसेस हो गया. PRP भी किया और हमने एक और प्रोसेस किया जो कि मेरा बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम था, इसमें हमने कोई मल्टी वाइटमिन इंजेक्ट किए हैं. अब बालों में कुछ एक अलग मीजो हेयर वो हमने विद माइक्रो नीडल, तो उससे ये है कि बालों में शाइन आएगा और ग्रोथ जो है, जो कि प्राइम हमारा जो फोकस था वो ग्रोथ और हेयर फॉल को रोकना. तो अब इसका जो रिजल्ट है वो कब से कितने दिनों में आना चाहिए? जनरली टेक्स मतलब एवरी डे कॉलेज रिडक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ फैक्टर बढ़ते जाते हैं, सो मैक्सिमम जो जाता है मैं मतलब सुबह में उठूंगा तो मेरे इतने इतने बाल होंगे, इतने तो होंगे. आई विश कैसा हो सकता. चलिए, थैंक यू सो मच, वाज अमेजिंग मीटिंग यू एंड लेट्स सी कि आगे रिजल्ट कैसा आता है. एक हफ्ते बाद मेरी कॉल आएगी.